नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरी। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी तो बांदा जेल में बंद है लेकिन अब उनकी पत्नी आशिफा अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही है। जी हाँ, मुख्तार अंसारी के साथ साथ अब उनकी पत्नी और बेटे पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। खबर सामने आई है कि आशिफा अंसारी को ढूंढने के लिए मऊ पुलिस मोहम्मदाबाद पहुंच गई और पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में मऊ पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक शोएब अंसारी से भी पूछताछ की। इसके बाद दर्जी टोले इलाके में भी पुलिस ने छानबीन करते हुए लोगों से कुछ सवाल किए। बता दें आशिफा अंसारी इसी इलाके में रहती है लेकिन अभी तक पुलिस से बचने के लिए वह फरार है। सीओ मऊ धनराज मिश्र ने बताया कि वंचित आशिफा अंसारी की संपत्तियों को अब कुर्क किया जाने वाला है। सीओ द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आशिफा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दरगी टोला थाना यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के खिलाफ अपराध संज्ञा 20/2022 धारा 3(1) के तहत केस दर्ज हुआ है। मऊ में लिखी गई एफआईआर के आधार पर अंशिफा नामित और वंचित आरोपी है। अंशिफा की तलाश में पुलिस लगातार संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि अंशिफा लगातार खुद को गिरफ्तारी से बचा रही है और कानून के पकड़ से फरार चल रही है। वहीं कोर्ट में भी ना पेश होने की वजह से उनके खिलाफ नॉन लेबल वारंट भी जारी किया गया है। आरोप यह है कि अंशिफा जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही है। ऐसे में उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया है। इसी बीच आपको बता दें कि अंशिफा अंसारी पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दायर कर चुकी है लेकिन आपराधिक बैकग्राउंड और आपराधिक कृत्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। ऐसे में अब मऊ कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन अंशिफा अंसारी के नाम पर दर्ज चलन अचल संपत्तियों की कुर्की जल्द ही करने वाला है। इसी बीच आपको बता दें कि अंशिफा अंसारी के पति यानी कि मुख्तार अंसारी अभी तक बांदा की जेल में बंद है। फिलहाल की इस खबर पर इतना ही। आगे इस खबर पर कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।